हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक, जिसमें हम अभी चल रहा है हमारा 7th क्लास की का हमारा पर्यावरण वरण बुक, जो कि है 7th क्लास की जियोग्राफी की बुक, जिसके हम 5 चैप्टर पढ़ चुके थे। अब हमारे इस वीडियो के लिए है 6th चैप्टर, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं शुरू से, जिसमें है लिखा हुआ है, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर के हेतु सहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश के मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि जब उसकी बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो गई थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन एवं धीरे धीरे अदृश्य हो रहे पर्वत की ढलान एवं पतली निकुली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उससे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। वे लंबे लंबे वृक्षों व खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली के आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसके देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। क्या आप जान कुछ आओ कुछ करके सीखे, क्या आप अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ समीला ने प्राकृतिक वनस्पति में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? सलीमा ने अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्रकृति वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्रकृति वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति में निम्न तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले आओ हम कुछ करके सीखे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि समीला की तरह आप जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिनके कारण ये वनस्पतियां पैदा हुई है। वृक्षों की कटाई, चटाई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्य आदि के रूप में उन क्षेत्रों के में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। तो जिस तरीके से वनस्पति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, उसमें से पहली है वन, जो वनों के लिए उपयुक्त तापमान एवं पूर्ण परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों को ध्यान के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, और कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क स्थानों पर क्षेत्रों में पैदा होते हैं। समीला हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही है। उसके पिता विश्व के विभिन्न देश स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने समीला को विभिन्न महाद्वीपों में स्थित भागों में के बारे में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों के कांटेदार झाड़ियां एवं आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारी दी। समीला समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो मध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या आप जानते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ है अमेजॉन के वर्षा वन, जो है
वहां वहां से बहती है अमेजॉन रिवर, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पानी वाली नदी। इन वर्षों वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र 6.3 में, यह 6.3 में वर्षा कटि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वर्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वन जैसे रोजवुड, आम, आबनून, महोगनी आदि पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मार और खा सकता है। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। चित्र 6.4 में दिया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये थोड़े कम हरे दिख रहे हैं आपको की तुलना में। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जब संरक्षित रहने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों की छाल, सागवान, नील तथा शीशम दृढ़ काष्ठ वन फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर इत्यादि, जो कि हमें दिख रहे हैं चित्र नंबर 5, 6 और 8 के अंदर। ये कौन सा 5? ये 5 में दिख रहा है बाघ, फिर ये दिख रहा है 6 में गोल्डन लंगूर, ये हाथी, और ये है आगे कुछ और है, इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली जो वन होते हैं उसमें अगर सदाबहार वनों को देखें तो उनमें क्या होता है, जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पे अलग अलग तरह के हजारों किस्म के पेड़ पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें जो पतझड़ का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम आता है वो अलग अलग समय आता है, जिसके कारण उसमें से बहुत सारे वन हमें जिस भी समय जाए तो उस समय वो हरे ही लगते हैं, इसलिए वो सदा बहार वन की श्रेणी में आ जाते हैं। नेक्स्ट वनों को हम पढ़े तो वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। चित्र 6.7 में दिया गया है शीतोष्ण सदाबहार वन। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूक्रेटलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यह अगला है स्वर्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। चित्र 6.11 में ये हो गए शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड एवं चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बाज, एस, बीच आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। ये पिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। चित्र संख्या 9 और 10 में, 9 में ये है पिजेट और ये 10 में है ये है मोनाल। भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्या आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारे में अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं।
महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। चित्र 6.12 ये अधिकतर 6.12 कौन सा है, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंगूर के बाग। यह अधिकतर यूरोप अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इनका ये नाम पड़ा है। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इन प्रदेशों पाया जाता है। इसमें क्या आप जानते हैं भू मध्य सागरीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पीकरण को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फल उद्यान भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अनीज, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध की उच्चाई अक्सर 150 से 170 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 में ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये शंकु के अनुरूप की वनस्पति पाई जाती है और ये वनस्पति का शंकु रूप होने का कारण भी यहाँ की पारिस्थितिक स्थिति, पर्यावरण की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण है। इन्हें टेंगा भी कहते हैं। ये वन अत्यधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं। इन वनों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए पक्षे बनाने में किया जाता है। चीड़, देवराज आदि ये इन वनों में प्रमुख पेड़ होते हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। आओ कुछ करके सीखे। आपने आसपास के नरम एवं दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं के ऊपर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम को पता करें। क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टेंगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। फिर है ये हो गया शंकुधारी वन और ये है ख में भूमाच्छादित शंकुधारी वन। घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल वे वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। चित्र 6.14 ये रहा 6.14 इसमें उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। यहाँ वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास इसी प्रकार का है। सामान्य रूप में उष्णकटिबंधीय घास में हाथी, जैफरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। चित्र 6.15 ये जिराफ। बाद में आगे है शीतोष्ण घास के मैदान। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तानी भाग का पता लगा कर सकते हैं। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा लगेगा।
यहाँ बहुत ही सीमित प्रकृति वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवों के प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो इन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी होते हैं, जो कि चित्र 6.16 में दिए गए हैं। वो यहाँ पे नीचे है, ये है वालरस, ये है ध्रुवीय भालू और ये है सील। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों की साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, क्या वे ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे। अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्वेश्चन मार्क, क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति पर प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। इसमें है ये, आप क्या आप जानते हैं, हमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न मापों नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस्ट और वेनेजुएला में लानो के नाम से जाने जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में अर्जेंटीना में पंपास और उत्तरी अफ्रीका में पेरी और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़े तो कुछ नहीं है, अभ्यास है, अभ्यास के क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।